अपमाद वग्गो अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमियंति ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान है। एतं विशेषतो यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे पमोदन्ति अर्यानं गोचरेरता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। तेजाइनो साततिका निच्चं दर्ढ़ परक्कमा फुसंति धीरा निबानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले वीर जन अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस निसम्मकारिनो संयतस्स च धम्मजीविनो अपमत्तस्स यशो भिवंडति। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धम्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथमेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। पमाद मनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेठं वरक्षति। मूर्ख, दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं। मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। पमादं अपमादेन यदानुदति पंडितो पय्या पासाद मारुह्य अशोको सुकिनिं पजं पब्बतट्ठो भूमट्ठे धीरो बाले अवेखति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वो शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक ग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो अबलसंवसीघसो हित्वायाति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अपमादेन मघवा देवानं सेठतंगतो अपमादं पसंसंति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अणुं थूलं दहं अग्गीव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्खु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ चलता है।
अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अबभो परिहानाय निब्बानस्सेव संतिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वो निर्वाण के समीप ही है।